सोमू सिंह जी द्वारा किए गए मैं इस प्रयास की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि इस तरह के उन्होंने अनेक लेक्चर्स कराए हैं और कोविड पैंडेमिक का एक बहुत ही सुंदर इस अवसर का उपयोग उन्होंने किया है, निश्चय ही वो बधाई के पात्र हैं। अनेक कारणों से मैं बहुत पहले से उत्तर नहीं दे पाया था, मुझे बहुत देर से मैं हाँ कर पाया सोमू जी को, किंतु इस अवसर के लिए मैं उन्हें बार बार बधाई देता हूँ। जब टॉपिक पर बात हुई तो मैंने उनसे बात करनी चाहिए थी कि हम बात करेंगे क्लासिकल रीडिंग्स फॉर टीचर्स। बड़ा गहरा सवाल है। दरअसल यदि विश्व में मानव के इतिहास को देखा जाए तो जब से मानव ने विकास किया है, जब से यदि हम पाश्चात्य दर्शन की इस अवधारणा को लें कि वानर से नर बनने में जो मानव के दिमाग की भूमिका रही है वो सर्वोपरि रही है, मानव के मस्तिष्क ने जहां एक ओर संगीत और कला और विज्ञान जैसे विषयों को दिया, वहीं इन सबकी नींव में साहित्य, कला, विज्ञान, इन सबकी नींव में, इन सबके आधार रूप में जो इस सब का बड़ा कारण था वो था मनुष्य की क्रेनियल कैपेसिटी, विचार। फिर एक दूसरी बहुत बड़ी क्रांति हुई जब इन विचारों को अगली पीढ़ी को देने के लिए मनुष्य ने लिपि का विकास किया, भाषा का विकास किया, और भाषा के द्वारा इसमें और भी बहुत से इश्यूज हैं, मैं उनके भी जानकर बात नहीं कहूंगा कि एजुकेशन आई, फिलॉसफी आई, लेकिन मैं अपनी बात करूं कि मनुष्य ने अपनी क्षमताओं का सृजन की क्षमताओं को अभिव्यक्त करने के लिए संगीत, कला और इन सब जो माध्यमों को जन्म दिया, उन्हीं सब माध्यमों से एक बड़ा सुंदर, श्रेष्ठ और प्राचीनतम माध्यम है लेखन, और लेखन के द्वारा पढ़ना। और ये हर पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो अब तक के मानव ने लिखा है उसको पढ़े, उससे आगे बढ़े और मानव के सभ्यता को और विकसित करने में योगदान दे। तो इस दृष्टि से मैं समझता हूं रीडिंग एक बहुत बड़ी देन है मानव की। लेकिन दिक्कत यह है, अब मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल उस पे आऊं कि बड़े दुख की बात कहूंगा मैं कि टीचिंग प्रोफेशन में रीडिंग कम हो रही है। चाहे मैं अपने पुराने छात्रों को ले लूं या आधुनिक छात्रों को, हम में से बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि एक रीडिंग करते हैं। मोटे तौर पर रीडिंग के यदि मैं कहूं कि 2-3-4 लेवल्स होते हैं। एक तो यह है कि कभी भी गाहे बगाहे जब मिल गया अखबार पढ़ लिया, दूसरा यह है कि शौकिया अपना पढ़ते रहते हैं कुछ लोग, तीसरा है कि कुछ लोग जो जैसे विज्ञान का टीचर है, विज्ञान पढ़ेगा नहीं तो पढ़ाएगा कैसे। हालांकि आजकल नए नए आयाम में यह भी आ रहा है कि बहुत से ऐसे अध्यापक हैं जो बिना पढ़े भी पढ़ा देते हैं। इस सबसे अलग मेरा मानना है कि एक पैशन के तौर पर पढ़ना, ये जो वृत्ति है वो निश्चय ही दिनों दिन कम हो पा रही है और कम हो रही है, और यह एक चिंता का विषय है। टैगोर बाबू ने इस बारे में एक बड़ा बढ़िया कहा था। दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा संस्थान, केंद्रीय शिक्षा संस्थान जो एशिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन था, वहां एंटर करते हुए ही बड़ा साफ लिखा है, ए लैम्प कैन नॉट लाइट अनदर लैम्प एंड ए टीचर कैन नॉट टीच अनदर पर्सन अंटिल द लैम्प इज बर्निंग इटसेल्फ एंड टीचर इज लर्निंग इटसेल्फ। एक दीपक दूसरे दीपक को जब तक नहीं जला सकता जब तक वो खुद ना जल रहा हो, और एक अध्यापक दूसरे को जब तक अच्छा नहीं पढ़ा सकता जब तक कि वो खुद ना पढ़ रहा हो। पढ़ने की बहुत महिमा है, बहुत लंबी बात है। मैं मोटे तौर पर केवल दो ही एग्जाम्पल दूंगा। भारतीय हिंदी साहित्य में दो लेखक हुए हैं, राहुल सांकृत्यायन जी और रांगे राघव जी। राहुल सांकृत्यायन जी इस बात के लिए उनकी बड़ी ख्याति थी कि वो देश और विदेश और लद्दाख जगह सारी उम्र उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र, घुमक्कड़ इस तरह की किताबें भी लिखी, घूम फिरकर उन्होंने अनुभव हासिल किए जिंदगी के। इसके विपरीत राहुल सांकृत्यायन जी
सॉरी रांगे राघव जी की पुस्तकें जो कि किन्हीं भी मायनों में एक मील का पत्थर है, और मेरा स्पष्ट मानना है कि भारत के हर अध्यापक को, चिंतक को रांगे राघव की पुस्तकें पढ़नी ही चाहिए। उन्होंने सारी उम्र घर से बाहर नहीं निकले, विश्व साहित्य का अध्ययन किया, हिंदी का ही नहीं विदेशी का और भारतीयों का। रांगे राघव खुद तमिल के थे और उनका ज्यादातर लेखन अंग्रेजी हिंदी में है। खैर, बात यह है कि हमें पढ़ना चाहिए। इसी में मैं ऐसे अपने बहुत से लोगों को जानता हूं जो बैंक के बहुत टॉप पोजीशंस पर हैं, लेकिन उनकी रीडिंग बहुत शानदार है। इस मामले में एक सज्जन हुए हैं विलियम प्लॉमर, ब्रिटिश राइटर हुए हैं। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध किताब आर्टिकल रहा है प्लेजर्स ऑफ रीडिंग, और उसमें कहना है कि यदि एक आदत डाल लो, चाहे रद्दी किताबें पढ़ो, थर्ड रेट किताबें पढ़ो, यदि आदत बन गई तो एक दिन आप श्रेष्ठ किताबें भी पढ़ने लगेंगे। उसी की बात को लेते हुए मैं अक्सर कहा करता हूं कि मोटे तौर पर अध्यापकों के लिए दो प्रकार की रीडिंग होती है, एक वर्टिकल रीडिंग और एक हॉरिजेंटल रीडिंग। अध्यापक जब अपना फिजिक्स केमिस्ट्री या बॉटनी हिंदी हिस्ट्री के अपने विषय में ही पढ़ता है और उसी विषय में पढ़ने की प्रक्रिया को आगे ले जाता है, उसको कहेंगे हम वर्टिकल रीडिंग। और एक अध्यापक, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि अच्छा अध्यापक होने के लिए, एक कहना चाहिए शानदार अध्यापक होने के लिए, जब तक हॉरिजेंटल रीडिंग नहीं होगी, एक इंग्लिश का व्यक्ति बायोलॉजी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेगा, और एक हिस्ट्री का व्यक्ति बायोलॉजी और हिस्ट्री नहीं पढ़ेगा, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ेगा, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। नया जो साहित्य आ रहा है, यदि मैं कहूँ एक आजकल बहुत प्रसिद्ध किताब है सेपियंस द बाल हिस्ट्री ऑफ मैन, और एक उसमें संजीव सान्याल ने एक पुस्तक लिखी है संजीव सान्याल का ज्योग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और उसने बायोलॉजिकल प्रूफ भी लिए हैं। इसी किस तरह से बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ मैन नोवेल हरारी की किताब है, कई दो तीन किताब आई है, इन्होंने बिल्कुल तूफान बचाया पिछले 5-7 सालों में, 4-5 सालों में। खैर, तो मैं अपनी रीडिंग्स की किताबों की बात करता हूँ, मैं इधर उधर टाइम ना गवाऊं और मैं सीधी बात करूं। मैं यहाँ उन कुछ पुस्तकों की बात करूंगा जो मैंने ज्यादातर पढ़ी है और मुझे आनंद मिला है। मैं फिर कहूंगा, पूर्ण आदर और विनयशीलता से कहूंगा कि मैं सर्वज्ञता नहीं हूं, मैं खुदा का भाई नहीं हूं, लेकिन जो मैंने कुछ अध्ययन किया है इससे मुझे जितना लाभ हुआ है, कल्पना से परे मुझे लाभ हुआ है और आनंद मिला है, मेरी एक सुख का कारण मेरी पुस्तकें हैं जो मैंने पढ़ा है। तो मैंने इनको 4-5 हेडिंग्स में, इन पुस्तकों को मैंने 4-5 हेडिंग्स में डिवाइड किया है जो, और ये ज्यादातर पुस्तक मेरी पढ़ी हुई है। कुछ मेरे छात्रों ने समय समय पर मुझे बताया और उन्होंने कहा कि सर ये भी किताब अच्छी है, तो उनका भी मैं जिक्र हल्का छोटा मोटा करता जाऊंगा कि इनको मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि अच्छी शानदार पुस्तकें हैं। खैर, मैं पहले हिंदी की राइटिंग की, मैं लेखकों का नाम बता दूं जल्दी से, क्योंकि मैं अपनी शिक्षा शास्त्र और अध्यापकों के लिए जो आवश्यक रीडिंग्स है उन पर आऊंगा। हिंदी में मैं जनरल रीडिंग की बात करूं, मैं नाम पढ़ दूंगा बस और कुछ नहीं कहूंगा। गांधी, टैगोर, अरबिंदो, विवेकानंद, जाकिर हुसैन, राधा कृष्णन, जे कृष्णमूर्ति, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, अमृत राय, महादेवी पंत, निराला, बच्चन, भवानी प्रसाद मिश्रा, केदारनाथ सिंह, त्रिलोचन, धूमिल, दुष्यंत कुमार, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञेय, फणीश्वरनाथ रेणु, यशपाल, ये कैसे हमारे कहने चाहिए बहुत शानदार हमारी बपौती है, एक हमारी थाती है जो हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है इन लोगों ने। यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब मैं इनके नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि इनकी मैंने सभी ज्यादातर पुस्तकें पढ़ी हैं, तो जो एक आनंद देती हैं वो भारतीय साहित्य की अच्छी थाती है और एक अध्यापक को इन सब के द्वारा गुजरना ही चाहिए। अमृतलाल नागर ने, यदि हमें जाति भेद के बारे में खत्म करना है तो नाचो बहुत गोपाल, उनका इतना शानदार उपन्यास है। श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी व्यंग, राजनीति और शिक्षा पर व्यंग के बारे में इतनी सुंदर पुस्तक कम आ पाई है। फिर मैं कहूँ राजेंद्र यादव की सारा आकाश, मोहन राकेश की आधे अधूरे, नरेंद्र कोहली की मैं 2 किताबों का जिक्र करूंगा, बहुत शानदार, दिल्ली विश्वविद्यालय से रिटायर हुए नरेंद्र कोहली साहब, अभी 6-8 महीने पहले लखनऊ भी आए थे, मेरी बातचीत भी हुई थी इनसे, इनकी एक बहुत शानदार किताब 6-8 वॉल्यूम में है रामकथा। आधुनिक संदर्भ में यदि रामायण को देखा जाए तो एक व्यक्ति को बिना किसी चमत्कार और इन सबके जो व्यवस्थित रूप से
किस प्रकार रामायण दिखेगी, इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। इन्हीं की एक और शानदार किताब है समर गाथा, जो 8 वॉल्यूम्स में है। महाभारत को आधुनिक संदर्भ में किस प्रकार, जैसे कृष्ण को उन्होंने महामानव का रूप दिया है और वो किस प्रकार महामानव थे, इसको जानने के लिए बहुत सुंदर पुस्तक है। फिर मैं आधुनिक लेखक, थोड़े तुलनात्मक रूप से आधुनिक है, उषा प्रेमवदा, कृष्णा सोवती, भीष्म साहनी, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, मन्नू भंडारी, कमलेश्वर, मुक्ति बोध, नरेश मेहता, कन्हैयालाल नंदन, तस्लीमा नसरीन, सलमान रश्दी, विक्रम सेठ, शंकर, विमल मित्र, मालती जोशी, मेहरुन्निसा परवेज आदि आदि बहुत है। मैं उनका नाम ज्यादा नहीं हूंगा, मैं मुख्य रूप से शिक्षा की पुस्तक पर आता हूँ। शिक्षा में या एजुकेशन या पेडागोजी में मैं जो 20-22 किताबें लिखी हैं या ऑथर्स लिखे हैं, मैंने किताब से ज्यादा ऑथर्स पर जोर दिया है, क्योंकि एक ऑथर अनेक किताब लिखता है, वो किताबें इतना शानदार व्याख्या करती हैं शिक्षा के विभिन्न आयामों की कि कल्पना नहीं की जा सकती। सबसे पहले मैं नाम लूंगा इवान इलिच का, उनकी 5-6 या शायद 8 किताबें हैं। पहली किताब जिसने सारी दुनिया में तहलका मचाया, हम सभी जानते होंगे, मेरा स्पष्ट मानना है कि एजुकेशन की इन किताबों को जिसने नहीं पढ़ा वो शिक्षा के मर्म को से अभी थोड़ा दूर है। बहुत स्पष्ट मैं ये बात बार बार कहूंगा। दी स्कूलिंग सोसाइटी, इसका हिंदी में भी तर्जुमा हुआ था, विद्यालय भंग करो। इसके बाद इन्होंने दूसरी किताब लिखी, इनका ये मतलब नहीं था कि सारी दुनिया से विद्यालयों को खत्म कर दो, वो विद्यालयों में परिवर्तन चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने किताब लिखी आफ्टर डी स्कूलिंग व्हाट। इनकी एक और शानदार किताब है एनर्जी एंड इक्विटी, दूसरी किताब टूल्स ऑफ कन्वाइबिलिटी, एक और किताब इनकी आई है मेडिकल नेमेसिस। हालांकि ये किताब सब 20 साल से ज्यादा पुरानी है, लेकिन आज भी इस दुनिया को इतनी सुंदर व्याख्या बहुत कम लोग दे पाते हैं। इन्हीं परंपरा में दो राइटर्स का मैं नाम और लूंगा, 3 राइटर्स का। एक है पॉल गुडमैन, उनकी किताब का नाम है कंपल्सरी मिस एजुकेशन, आप पढ़ के देखिए आनंद से विभोर हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से एवरेट रीमर, उनकी किताब का नाम है स्कूल इज डेड, स्कूल मर चुका है। तो क्यों मर चुका है, स्कूल में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, स्कूल का कहां सुधारा जाए, बहुत सुंदर व्याख्या की है। इसी तरह से कई बार मुझे अपनी जीवनी सी लगती है जॉन होल्ट की प्रसिद्ध किताब हाउ चिल्ड्रन फेल, भारत में पेपरबैक में मुश्किल से 50-60 रुपए की मिल रही है, मैंने 40 रुपए की खरीदी थी क्योंकि मैं मेंबर था और कंसेशन मिलता था। मुझे लगता था, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मेरी बीएससी थर्ड क्लास है और मेरा एमएड का दिल्ली यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल है और इंदौर यूनिवर्सिटी का एमए फिलोसफी का गोल्ड मेडल है, और मैं कहा करता हूँ कि ये दोनों गोल्ड मेडल नहीं आ पाते यदि बीएससी थर्ड क्लास नहीं होती। इस किताब में, जॉन होल्ट की किताब हाउ चिल्ड्रन फेल में, पहले 2 पाठों में जो एक पीछे बच्चा ढक्कन बच्चा सा बैठा रहता है, मुझे लगता है वो मैं बैठा हूँ। तो इतना सुंदर विवेचन किया है कक्षा के वातावरण का कि कक्षा में क्या गुजरता है। इसी तरह की एक और किताब है, रशियन राइटर है मारिया विक्टोरोवा, द डायरी ऑफ ए स्कूल टीचर, बहुत शानदार पुस्तक है, हमको सबको पढ़नी चाहिए, कि एक टीचर अपनी कक्षा को किस प्रकार से प्रभावित करती है। स्कूल टीचर है, प्राइमरी स्कूल टीचर है संभवतः। इसी तरह से एक किताब ने इटली में फिर बहुत ज्यादा तहलका मचाया था और बाद में सारी दुनिया की 30-40 उसमें भाषाओं में इस किताब का अनुवाद हुआ, वो है लेटर टू द स्कूल टीचर। इस किताब की सुंदर बात यह है कि 10वीं क्लास के बच्चों ने यह किताब लिखी और अपने मास्टर जी को यह किताब लिखी और मास्टर जी को एक चिट्ठी के रूप में लिखी और उन्होंने किसी मेरे आप जैसे किसी अध्यापक को दिखा दिया कि सर हम ये चिट्ठी लिखना चाहते हैं। उस अध्यापक ने उन्हें कुछ सुझाव दे दिए, ऐसे ऐसे इस चिट्ठी का बदलाव करो, ये करो, और वो चिट्ठी एक किताब रूप में छपी हुई है और वो मैं कहूंगा कि दुनिया की शानदार पुस्तकों में से एक है, लेटर टू द स्कूल टीचर। बार्बियाना राज्य है, वहां का एक स्कूल है, वहां के लोगों ने लिखी थी। ठीक है, किसी तरह से जिनको अमेरिका का या अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, पॉलो फ्रेरे, पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, हिंदी में इसके 3 अनुवाद हुए दलितों का शिक्षण नाम से ही, और तीनों अनुवाद अपने आप में शानदार हैं, लेकिन अंग्रेजी में जो पढ़ने का मजा है वो हिंदी में थोड़ी क्लिष्टता ला दी है इन किताबों ने, तीनों किताबों के जो अनुवाद हुए। तो ये किताब भी एक बहुत सुंदर, दलितों को किस प्रकार भाषा और मूक
संस्कृति के द्वारा हम नीचा दिखाते हैं, शोषण करते हैं, इस सब का विवरण इस किताब में मिलता है। मेरा एक और स्पष्ट मानना है, आप लोगों को शायद बुरा लग सकता है, गिजू भाई वधे का की 16 पुस्तकें जिस अध्यापक ने नहीं पढ़ी, विशेष रूप से इनकी पहली किताब देवा स्वप्न, मैं आज भी उसको अध्यापक नहीं मानता। देवा स्वप्न नहीं पढ़ा भैया, कुछ नहीं पढ़ा। इसी तरह से मैं दो तीन किताबें हैं मैं अपने लखनऊ विश्वविद्यालय में तो मैंने एक परंपरा लगा दी थी कि हर साल 3 पुस्तकों को हम प्रेयर में टाइम में ही पढ़ा कर देते थे। किसी बच्चे को उठाया, 5-10 पेज पढ़े इस किताब के, और रोजाना इस तरह 3 किताब खत्म किया करते थे। उनमें से एक किताब ये थी देवा स्वप्न, दूसरी थी तो चांद, और तीसरी थी आमादेर शांति निकेतन, मैं इनका जिक्र करूंगा अभी। तो गिजू भाई वधेका की जो पुस्तकें हैं उनका नाम मैं 2-3 या 4 का नाम ले लूं। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षण, माता पिता से, शिक्षक साथियों से, माँ बाप बनना कठिन है, माँ बापों की माथा पच्ची, आदि आदि, शिक्षक साथियों से, बहुत सी किताबें और बहुत ही शानदार पुस्तकें हैं, हमको पढ़नी ही चाहिए। एक पुस्तक और है जो कि एक स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में देती है, और मेरा मानना है कि दुनिया के हर इंसान को उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। विवेकानंद जी के समकालीन थे स्वामी योगानंद, किताब का नाम है योगी कथामृत, दुनिया की प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है, अमेरिका में भी ये वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स रही है। ठीक इसी तरह से विवेकानंद की परंपरा के एक स्वामी चेतानंद जी हैं, उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हुई हैं, बहुत अनूठी पुस्तकें हैं, मतलब एक व्यक्ति को उन्माद में, आनंद के उन्माद में भर देती हैं। पहली किताब है दे लिव्ड विद गॉड, दूसरी किताब है गॉड लिव्ड विद देम। दे लिव्ड विद गॉड में उन्होंने उन 26 गृहस्थियों की बात करी जो स्वामी रामकृष्ण जी के साथ रहते थे, उनके साथ जाते थे, आश्रम में जाते थे, बातचीत करते थे। इसके विपरीत जो किताब है गॉड लिव्ड विद देम, इसमें उन 17 सन्यासियों का जीवन है जो रामकृष्ण जी के साथ या उनके अनुयायी थे। तो दोनों किताबें अपने आप में अनूठी हैं, मतलब मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, इतना ज्यादा उनमें शानदार चीजें लिखी हुई हैं। मैं फिर कहूंगा कि जैसे रामकृष्ण जी के लिए कहा जाता है, इन्होंने कहा था शायद जर्मन वालों में, कि कोई आदमी बहुत आसानी से पाश्चात्य संस्कृति का कोई व्यक्ति कोई आसानी से विश्वास नहीं करेगा और उसको पागल करार दे देगा, वो रामकृष्ण परमहंस जिनको लोग ईश्वर मानते हैं और ईश्वर का अवतार मानते हैं, उनके बारे में ये पुस्तक है। शिवानी ने जो आमादेर शांति निकेतन और स्मृति कलश 2 पुस्तकें लिखी हैं, शिवानी भारत की हिंदी की बहुत शानदार लेखिका रही हैं, उन इसमें शांति निकेतन के बारे में, आमादेर शांति निकेतन के बारे में जो सुंदर व्याख्या मिलती है बहुत अनूठी है, मतलब मुझे बार बार लगता है कि इस किताब के संस्मरण सुनाऊं, इस किताब की बात करूं, इस किताब की बात करूं, समय कम है और लेकिन ये लिस्ट बहुत है, करीब 300-400 किताबें हैं, उनको मैंने मुश्किल से 150 किताबों में वो किया है, छोटा किया है। आमादेर शांति निकेतन को पढ़कर और दूसरी पुस्तकों को पढ़कर मुझे शांति निकेतन का नक्शा इतना शानदार दिमाग में आ गया था कि मैं जब मेरी बेटी वहाँ BFA कर पढ़ने गई तो मैं उससे बात किया करता था कि वहाँ एक पेड़ होगा, पेड़ के बराबर में प्रार्थना सभा हो, कि हाँ कि आपको कैसे पता, कि मुझे भैया इस किताबों से मालूम है। खैर, नेशनल बुक ट्रस्ट ने एक किताब छापी है जो विश्व की 50 भाषाओं में अनुवाद हुआ है, उन महिला की अभी डेथ भी हुई है, महिला का नाम है तो चांद, और उसी नाम से उन्होंने किताब छाप दी है महिला ने, तो चांद, बहुत सुंदर पुस्तक। तो चांद में सेकंड वर्ल्ड वार में जापान का जब विध्वंस पूरा काफी कुछ हो चुका था, एक रेल के डब्बे में कक्षा कैसे चलाई गई, स्कूल कैसे खोला गया, और जो हेडमास्टर साहब थे उनका सोच, उनकी दृष्टि, उनका व्यवहार, मतलब कंटेंट मेथड वगैरह, इवैल्यूएशन, ये सब शानदार चीजें इस पुस्तक में एक संस्मरण रूप में देखने को मिलती हैं। विनोबा भावे जी की 3 पुस्तकों का मैं नाम लेना चाहूंगा, बच्चों से, विद्यार्थियों से, और तीसरी गीता प्रवचन। मुझे याद है लखनऊ विश्वविद्यालय में शाम को 5 बजे मैंने परंपरा डाली थी कि हम 5-7 टीचर्स जितने भी, चाहे 2 भी हों, एक किताब पढ़ेंगे, और वहां रहते हुए हमने गीता प्रवचन किताब समाप्त की थी। इसकी शिक्षा के लिए इतने ज्यादा निहितार्थ हैं कि कल्पना से परे है। महात्मा गांधी की मैं फिर कहूंगा, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, और भी है उनकी किताबें। ठीक इसी तरह से
शिक्षा नाम से चार लोगों ने किताब लिखी है, टैगोर ने भी, गांधी ने भी, विवेकानंद ने भी, अरविंदो ने भी। आप पढ़िए, आपकी दृष्टि खुल जाएगी। ये क्या चाहते थे मानव से, मानव की शिक्षा कैसी हो। प्रेमचंद लाल की पहली किताब थी जो जॉर्ज एलन अनविन ने किसी भारतीय की पहली किताब छापी, प्रेमचंद लाल की रिकंस्ट्रक्शन एंड एजुकेशन इन रूरल इंडिया। पढ़ के देखिए, शांति निकेतन से भी पहले श्रीनिकेतन आया था, और श्रीनिकेतन में 7 अनाथ बच्चों से जो शुरू किया गया था वो आगे जाके पुष्प पल्लवित हुआ शांति के निकेतन के रूप में। उस सब की कहानी इस किताब में है। गांधी जी की मैं बताया, जैसे सर्वोदय है, बुनियादी तालीम है, मेरे सपनों का भारत है, मंगल प्रभात है, हिंद स्वराज। मुझे याद है हमारे पासी साहब, मेरे जो गुरुजी भी रहे हैं, मेरे कुलीग भी रहे हैं, मेरे मेंटर रहे हैं, प्रोफेसर पासी हिंद स्वराज की 50-60 किस्तों में किताबें खरीद लेते थे और हर जगह जाते थे, इस किताब को पढ़ो। उन्होंने भारत में सौ जगह गोष्ठियां करवाई हैं इस किताब पर, और निश्चय ही ये किताब इतना सुंदर विचारों को देती है, इतना आयाम देती है, हमारे सामने खुलती है और हमें एक विवश करती है सोचने के लिए, विकास की दृष्टि क्या हो, विकास कैसे किया गया है, क्या देश की दृष्टि गलत है, क्या देश की दृष्टि सही है, आदि आदि। गांधी जी के एक अनुयायी रहे थे दादा धर्माधिकारी, उनकी एक किताब मैंने करीब 1982 के आसपास पढ़ी थी, और उस जैसी किताब मैंने दुनिया में दूसरी नहीं देखी, लोक क्रांति के आयाम, बहुत शानदार पुस्तक है। और तब मुझे लगा कि गांधी की अनुयायी दादा धर्माधिकारी, उनके बेटे हाईकोर्ट के जज भी रहे, चीफ जस्टिस भी रहे, चंद्रशेखर धर्माधिकारी वगैरह, खैर, तो दादा धर्माधिकारी को देख के लगा कि अरे इन्होंने तो ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ रखा है, यूरोपियन लिटरेचर पढ़ रखा है, अमेरिकन लिटरेचर पढ़ रखा है, और इस सारे साहित्य के पढ़ने के बाद समाज में क्रांति कैसी हो, कैसे एक सर्वोदय सही रूप ले सकता है, इस किताब को पढ़िए, आनंद आ जाएगा। अभी हाल में ही पिछले 5-10 साल में एक किताब ने बहुत शोर मचाया, एक ऑथर ने, रश्मि बंसल मैडम, फिर लंबी कहानी है, मैं कहानी में नहीं जाऊंगा। इनकी 4-5 किताबें हैं, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, कनेक्टिंग द डॉट्स, आई हैव ए ड्रीम, बैक टू होम, और एक किताब और है, 5 है, मैं 5वीं का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। रश्मि बंसल की कहानी यह है कि इसमें एंटरप्रेन्योरशिप या मोटिवेशन से किस तरह से लोग जीरो से हीरो बन गए, किस तरह से लोगों ने सारे भारत के लिए विकास के नए नए रास्ते खोले, ऐसे उद्यमियों, शिक्षाविद, साहित्यकार, इन सबकी सुंदर विवेचना इन्होंने की है। एक किताब अभी मैं फिर कहूंगा 10 साल पहले आई है और मुझे बहुत प्रिय है, मेरी प्रिय पुस्तकों में से एक है, इनोवेशन इन, यदि एजुकेशन की दृष्टि रखनी है तो एक किताब है जुगाड़, आप पढ़ के देखिए, आनंदित हो जाएंगे। शरद चंद्र चटर्जी की एक किताब है शिक्षा, मन्नू भंडारी जी के एक पुस्तक है आपका बंटी, चाइल्ड साइकोलॉजी को यदि हमें जानना है, छोटा बच्चा, अबोध बच्चा, वो किस प्रकार से माता पिता के संबंधों को देखता है, सोचता है, मेरा स्पष्ट मानना है कि साइकोलॉजी में आज भी इस किताब को कंपलसरी कर देना चाहिए। एल्महर्स्ट हेडमास्टर साहब थे टैगोर, फिर मैं ये लंबी कहानी में नहीं पढ़ूंगा, बहुत कुछ कहा जा सकता है। एल्महर्स्ट साहब ने एक किताब लिखी पायोनियर इन एजुकेशन, जिसका प्रीफेस टैगोर साहब ने लिखा, बहुत सुंदर उन्होंने लिखा कि किस प्रकार श्रीनिकेतन के बारे में, कि किस तरह से ये किताब एक नया रूप लेकर उसका टैगोर साहब के लिए आ गई। इसी के साथ बर्टन रसल की आप पढ़िए, बर्टन रसल ने बहुत सी किताबें लिखी हैं, पर बर्टन रसल तर्कवादी माने जाते हैं, यथार्थवादी, तर्कवादी, लॉजिकल पॉजिटिविज्म के भी वो जनकों में से एक माने जाते हैं। उनकी किताब ऑन एजुकेशन पढ़िए, हालांकि और बहुत से, भाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, अनपॉपुलर एसेज अनेक हैं, उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है, आनंदित कर देती है। एन व्हाइटहेड साहब को बर्टन रसल के साथ नोबेल प्राइज मिला था, बर्टन रसल ने कमेंट किया व्हाइटहेड साहब के बाद में, बारे में, कि इफ देर इज एनीथिंग कॉमन बिटवीन अस इट इज प्रिंसिपिया मैथमेटिका, प्रिंसिपिया मैथमेटिका पर उनको नोबेल प्राइज मिला था। बर्टन रसल दरअसल जहां तक बिल्कुल बहुत ही तर्कवादी और नियो रियलिस्ट या लॉजिकल पॉजिटिविस्ट कहे जा सकते हैं, एन व्हाइटहेड को मिस्टिक कहा जाता है, और कुछ लोग उनको आइडियलिज्म में भी मानते हैं, आइडियलिस्ट भी मानते हैं। उनकी किताब है एम्स ऑफ एजुकेशन, विश्वविद्यालय का क्या विचार है, स्कूल कैसा होना चाहिए, अध्यापक कैसे होना चाहिए, आप सचमुच आनंदित होने चाहिए। मैं तो कहा करता हूं, मतलब ये नशा है, नशे में बिल्कुल डूब जाएंगे, फिर दुनिया की सुध नहीं रहेगी। एक किताब
जिनका अभी हाल में ही 4-5 साल पहले, 2 साल पहले ही निधन हुआ है, E.H. ब्रेथवेट, उन्होंने किताब लिखी टू सर्व विद लव, इस पर एक फिल्म भी बनी, बहुत शानदार पुस्तक है और बहुत शानदार फिल्म है, आनंद आएगा। एक और किताब अभी हाल में ही आई है, हाल में का मतलब 7-8-10 साल पहले ही, भारत के बहुत शानदार वो रहे हैं, चिंतक रहे हैं, हिंदी साहित्य के पुरोधा रहे हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उनके PhD स्टूडेंट थे विश्वनाथ त्रिपाठी जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के हेड रहे हिंदी विभाग के, उन्होंने अपने गुरु के बारे में लिखी है। मेरा स्पष्ट मानना है कि अध्यापक की निर्माण की प्रक्रिया को जानना है कि एक अध्यापक कैसे बनता है, अध्यापक अच्छा अध्यापक कैसे बनता है, अच्छा अध्यापक कैसे बना, इसकी कहानी को जानना है तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी की पुस्तक पढ़ना चाहिए, व्योमकेश दरवेश, बहुत शानदार पुस्तक है, आनंद कर देने, आनंद विभोर कर देने वाली। ये तो रही शिक्षा के प्रति सीधी किताबें। कुछ और पुस्तक जो हमें और सोचने को विवश करती हैं, सामाजिक सोच या हमारा सामाजिक और दार्शनिक सोच को बढ़ावा देने के लिए, नॉन हिंदी राइटर्स ने बहुत शानदार किताबें लिखी हैं जिनको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। मैं उनमें नाम लूंगा, सबसे पहले नारायण सान्याल की किताब सत्यकाम। ये नारायण सान्याल जी अपने जो वो थे सत्य का, ये क्या नाम है, बहुत सत्यजीत रे, इनके कंटेम्प्रेरी थे, इनके मित्र थे, और नारायण सान्याल की बिटिया से अभी मैं पिछले साल मिलकर आया था, उनकी बिटिया भी 60 साल से ऊपर की हो गई है, माओ सान्याल, वो कलकत्ता में रहती हैं। सत्यकाम पर फिल्म भी बन चुकी है, आप फिल्म देखिए, मैंने अपने बीएड के बच्चों को दिखाई थी, 2-3 दिन तक बीएड के बच्चे एक अलग ही सोच में रहे कि इस जीवन में सत्य की क्या महत्ता है, सत्य को किन व्यावहारिक चीजों से सामना करना पड़ता है, विरोधों से, इस सब के लिए शानदार पुस्तक का मैं नाम लूंगा सत्यकाम। आशा पूर्णा देवी, अभी भी शायद मेरे ख्याल से जीवित हैं, भगवान करे जीवित हों, बंगाल की लेखिका रही हैं, उनकी 3 पुस्तकें। यदि आप गर्ल्स एजुकेशन की बात करना चाहते हैं, गर्ल्स एजुकेशन जानना चाहते हैं कि किन किन कष्ट या पर कहना चाहिए संघर्षों से स्त्री शिक्षा विकास कर पाई है, विशेष रूप से बंगाल की संस्कृति में, आप उनकी 3 पुस्तक पढ़िए, बिल्कुल नशे में आ जाएंगे। प्रथम प्रतिश्रुति, बकुल कथा और सुवर्ण रेखा, मैंने 3 पढ़ी, आनंदित कर देती है। कन्नड़ के एक लेखक है, उनकी 2 या 3 वॉल्यूम की पुस्तक है। कन्नड़ में एक महिला हुई थी जिनको कहा जाता है कि वो एस्ट्रोलॉजिस्ट थी, साइकोलॉजिस्ट थी, फिलोसोफर थी, आर्कियोलॉजिस्ट थी, और मतलब वो क्या कहते हैं उसको, राजनीतिज्ञ थी, पट्ट महादेवी शांतला, इसी नाम से किताब है, शांतला नाम की वो थी, वो मतलब एडमिनिस्ट्रेटर भी थी, रक्षा विशेषज्ञ भी थी, वैज्ञानिक भी थी, मतलब उनका एक बहुआयामी चिंतन को स्पष्ट करने वाला पट्ट महादेवी शांतला हमको पढ़नी चाहिए। एसके पुट्टकाट की एक किताब है विषकन्या का, इसको पुरस्कार भी राष्ट्रीय स्तर पर मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार शायद। विष्णु सखाराम खांडेकर साहब की ययाति पुस्तक। एक और पुस्तक जिसने मुझे छुआ, भारत के ग्रामीण जनजीवन को यदि आपको जानना है तो शानदार पुस्तक है गण देवता, ताराशंकर बंदोपाध्याय जी की, पढ़िए आनंद आएगा। शरदचंद चटर्जी की जीवनी के रूप में आवारा मसीहा, बहुत उनका अच्छी 2-3 वॉल्यूम में आई थी, आवारा मसीहा उनकी जीवनी है, शायद उन्होंने लिखी या किसी और ने, मुझे इतना ध्यान नहीं, पर मैंने पढ़ी तीनों, बहुत शानदार पुस्तक है। शेष प्रश्न उनकी किताब है, एक किताब है शिक्षा, एक किताब है श्रीकांत। चाणक्य सेन एक लेखक रहे हैं, मैंने 1980 के आसपास उनकी किताब पर आधारित नाटक देखा था, फिर किताब पढ़ी, दोनों लाजवाब है, आज भी प्रासंगिक है ये पुस्तक, मुख्यमंत्री, इसी नाम से नाटक था और इसी नाम से किताब है इनकी। महाश्वेता देवी बंगाल की लेखिका रही हैं, महाश्वेता देवी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सामान्य जन का जो शोषण हो रहा था, जो एक सामान्य श्रमिक थे या जो कहना चाहिए आदिवासी थे, उनका किस प्रकार से शोषण किया जाता था, और उनसे एक सामाजिक नेता बहुत बड़े उभर कर आए, चोटी मुंडा, तो उन्हीं पर आधारित तो उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, और भी पुस्तकें हैं, हालांकि उनकी जंगल के दावेदार बहुत शानदार पुस्तक है, आप पढ़िए आनंदित होंगे। चोटी मुंडा और उसका तीर, ये भी इतनी अच्छी किताब है, मैंने 81-82 में दोनों किताबें पढ़ी थी। एक लेखक बंगाल के ही हुए हैं, विमल मित्र, खरीदे कौड़ियों के मोल,
एक औसत मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय जीवन बंगाल का क्या है, अच्छी पुस्तक है जानने के लिए। पंजाब की एक लेखिका बड़ी अमर रहेंगी, बहुत कुछ लिखा उन्होंने, अमृता प्रीतम, रसीदी टिकट, अक्षर कुंडली और भी बहुत सी किताबें हैं। रसीदी टिकट आप पढ़िए, एक स्त्री की जो अस्मिता है उस पर उन्होंने बहुत शानदार चिंतन किया है। खुशवंत सिंह बड़े विवादास्पद लेखक रहे, लेकिन आप अच्छा माने या बुरा, मेरे प्रिय लेखक रहे हैं। पिछले 40, 50, 60 साल से, मतलब मैं, पिताजी और मैं हिंदुस्तान टाइम्स लेते रहे हैं क्योंकि वो उसके संपादक थे, और फिर उसमें टुवर्ड्स मेलिस टू ऑल एंड नन लिखा करते थे। उन्होंने दो तीन पुस्तकें लिखी हैं जो अपने आप में मील का पत्थर है। पाकिस्तान मेल, इस पर फिल्म भी बनी, उसको पुरस्कार भी प्राप्त हुए। दूसरी उन्होंने दिल्ली, दिल्ली की हिस्ट्री को बड़े रोचक कहानी रूप में लिखा। और तीसरी इनकी मोस्ट ऑथेंटिक पुस्तक मानी जाती है, सिखों का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ सिख्स। खुशवंत सिंह पढ़िए, एक अलग स्टाइल है। एक विवादास्पद लेखक और रहे हैं, और मेरा मानना है कि उनको बड़ा स्पष्ट, बड़ा एक अनेक परेशानियों का झेलना पड़ा। हिंदुस्तान में रहते थे तो उनको वो कहा जाता था, मलेच कहा जाता था। पाकिस्तान में जाते थे तो उनको काफिर कहा जाता था, क्योंकि लेकिन वो सारी उम्र एक निष्पक्ष इंसान की बात करते रहे। सादात हसन मंटो, उनकी 30 कहानियां पढ़िए, लाजवाब कहानियां हैं। कृष्ण चंद्र एक और लेखक रहे, उर्दू के लेखक रहे, लेकिन हिंदी में उनकी एक बड़ी हल्की फुल्की सी अच्छी किताब है, मुझे सुंदर लगी इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, एक गधे की आत्मकथा। और भी है उनकी, सेठ बांके लाल वगैरह। रांगे राघव की मैं यहाँ जरूर जिक्र करना चाहूंगा, और मैं कहूंगा कि मेरे लिए यदि दुनिया की 50 पुस्तकों की लिस्ट बनाई जाए तो मैं रांगे राघव की पुस्तक का जरूर रखना चाहूंगा। रांगे राघव ने एक पुस्तक लिखी, महायात्रा गाथा, और उसके दो वॉल्यूम बनाए, महायात्रा गाथा भाग एक, महायात्रा गाथा भाग दो। पहली किताब का फिर उपनाम लिखा अंधेरा रास्ता, और दूसरी किताब का उपनाम लिखा रैन और चंदा। अंधेरा रास्ता में उन्होंने वो बात की है, यदि मैं कहूं अंधेरा रास्ता में, कि जब मानव का इतिहास, मानव का कहना चाहिए कि जानवर से जब मानव आ रहा था और उसका जो इतिहास था, उस इतिहास को करीब 70-100 कहानियों के माध्यम से इस किताब में पहले वॉल्यूम में कहा गया है। वो समय जिसका रिटन हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, तो जो विभिन्न और डॉक्यूमेंट्स के द्वारा जो हिस्ट्री समझ में आई है हमें, उस हिस्ट्री को उन्होंने हमारे सामने रखा, उसका नाम रखा अंधेरा रास्ता। उसमें एक कहानी के उन्होंने 3 हिस्से किए, पहला प्रीलॉग, फिर कहानी और फिर एपिलॉग। प्राकथन कहानी उपसंहार, प्राकथन कहानी उपसंहार, प्राकथन कहानी उपसंहार। दूसरा वॉल्यूम जो रैन और चंदा है, द पीरियड ऑफ लाइटनेस एंड डार्कनेस, जब मानव के विकास में अच्छे और खराब क्षण आए, और लेकिन उसका रिटन एविडेंस भी अवेलेबल है, उसकी कहानी उन्होंने लिखी रैन और चंदा। मेरा स्पष्ट मानना है, चाहे हिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो या एंथ्रोपोलॉजी हो या सोशल साइंस हो या कल्चर हो या पॉलिटिकल साइंस हो, सब छात्रों को, संस्कृति शिक्षा के छात्रों को इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। शिवाजी सामंत ने एक दौर चला भारत में, शिवाजी सामंत ने एक किताब लिखी मृत्युंजय, कि कर्ण को कर्ण की दृष्टि से देखा जाए। कर्ण यदि महाभारत को अपनी दृष्टि से देखें तो कैसे लिखा होगा, कैसे क्या चिंतन निकलेगा इसी पर। अभी एक हाल में, अभी मुश्किल से 2 साल पहले किताब आई है, असुर। रावण से कहा जाए कि तू इस अपना पूरे काल की व्याख्या कर, तो तुम कैसे व्याख्या करोगे, तो उसने किताब लिखी असुर। नीलकंठन जी है, और उन्होंने इस पक्ष को उजागर किया कि इतना शानदार विद्वान ब्राह्मण थे रावण, तो उनकी दृष्टि से रामायण की कथा क्या है। और लेखक है प्रभाकर माचवे जी, उनके साथ मेरा खुद का उठना बैठना रहा, उनकी मैंने अनेक किताबें पढ़ी और वो बहुत ही शानदार लेखक थे। उनके बेटे असंग माचवे जी की बहुत कम उम्र में मौत हो गई, उनका वो था प्रकाशन भी था दरियागंज में, तो खैर, तो उनसे प्रभाकर माचवे जी को पढ़िए, आनंद आएगा। ठीक इस तरह से गोप बंधु दास उड़ीसा के बहुत प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। शिवानी जी का मैंने जिक्र किया, आमादेव शांति निकेतन स्मृति कलश। शरद लिम्बोले जी का मुझे बताया, मैंने पढ़ी नहीं है, अकार माशी, लेकिन कहते हैं बहुत शानदार किताब है। एक किताब का मैं और जिक्र करना चाहूंगा, उससे पहले मैं 2 और किताब बता दूं। जिम कॉर्बेट, वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत शानदार लिखा है। रस्किन बॉन्ड आज भी जिंदा है, लिख रहे हैं।
मसूरी और देहरादून के बीच में पहाड़ी इलाके में रहते हैं, ब्रिटिशर हैं ओरिजिनली, मतलब ब्रिटिशर इन द सेंस के उनके माँ बाप, वो पिता शायद ब्रिटिशर थे और वो इंडिया छोड़ के गए। उन्होंने इस पर भी लिखा है कि मैं भारत क्यों वापस आ गया, और वो इंडिया छोड़ के जाने को कहीं भी राजी नहीं है। बहुत बड़ी उम्र के, लेकिन शानदार बच्चों के लिए लिखा लेखन लिखते हैं, बड़ा सुंदर बच्चों का लेखन लिखा है। हमें उनकी बीसियों किताबें हैं और मैंने ज़्यादातर पढ़ने का प्रयास किया है, बहुत सुंदर पुस्तक है। एक किताब का मैं जिक्र करना चाहूँगा जो हमारे सृजन की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से बहुत सुंदर पुस्तक है। पुस्तक का लेखक कोई एक नहीं है, 11 लेखक हैं, और किताब का नाम है 11 सपनों का देश। इस किताब की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसको 11 लेखकों ने लिखा, तो 11 लेखकों ने इस उपन्यास को लिखा, वो भी उपन्यास। तो इसकी जो रूपरेखा बनाई गई, पहले लेखक से कहा कि भाई तुम कहानी पहले तुम लिखोगे एक कहानी, फिर उन्होंने कहा कि फिर दूसरे लेखक पर वो कहानी आएगी, तुम पहली कहानी पर कुछ नहीं करोगे, अगर अपने आगे एक चैप्टर लिख दोगे। इस तरह से 11 जब लोग लिख लेंगे फिर वापस ये पहले ऑथर पर जाएगी और पहला ऑथर इस किताब का समापन कर देगा। बहुत बढ़िया, किताब लिखी गई। किताब के बाद फिर उन लोगों ने पूरे 11 लोगों के इंटरव्यू किए, सृजन की प्रक्रिया। तो उन्होंने पहले आदमी से पूछा कि भैया तुम्हें उपन्यास कैसा लगा। ये बड़ी शानदार बात है, देखिए सृजन की वो बताती है कि चित्रकार, कलाकार, दार्शनिक, साहित्यकार किस प्रकार उनमें वैचारिक मतभेद होता है। पहले ने लिखा मैंने इतनी अच्छी शुरुआत की थी, दूसरे ने सारा गुड़गोबर कर दिया और किसी ने ठीक दिशा नहीं पकड़ी, सारी किताब नाश कर दी, लास्ट में मैं कितना संभालता। दूसरा ऑथर कह रहा है कि इतना खराब प्लॉट लिखा हुआ आया था, मैं क्या करता, जिस तरह से संभाला अगले ने फिर गड़बड़ कर दिया। सातवें ने भी लिखा, यही लिखा कि छठे ने इतना बेकार प्लॉट आया था, 5-6 लोगों ने इतना बेकार लिखा था, मैं ठीक थोड़ा बहुत ठीक लिखने की कोशिश की, आठवें आदमी ने फिर बिगाड़ दिया। अर्थात सृजन की प्रक्रिया में वैचारिक अंतर होना अवश्यंभावी है, और ये जो वैचारिक अंतर है ये हमारे शिक्षा में, हमारी कक्षा में, हमारे बच्चों में, हमारे बच्चों के चिंतन की वैविध्यता को हमें मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, और कक्षा में इन चीजों को मान्यता देकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। शानदार पुस्तक है 11 सपनों का देश, पढ़ के देखिए आप, बिल्कुल बिल्कुल भाव विभोर हो जाएंगे। मुझे विशेषण याद नहीं आ रहे हैं, इतने एक से एक है अभी। हालांकि किताबें बहुत हैं, मैं कोशिश करूंगा अगले 20-25 मिनट में, क्योंकि हम लेट शुरू कर पाए थे, करीब 20-25 मिनट में मैं और समाप्त करूं। बहुत से अंतरराष्ट्रीय चिंतकों की किताबों को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है और वो हिंदी में उपलब्ध है, बहुत ही शानदार पुस्तक है। मैं एक एक का नाम लूं, अर्नेस्ट हेमिंग्वे को मैं रखना चाहूंगा, शिकागो के लेखक हैं। दरअसल यहाँ फिर वही अलग विषय हो जाएगा, शिकागो वाले अपने लेखकों का, वैज्ञानिकों का सम्मान करना जानते हैं अमेरिका में और ब्रिटेन में, उन्होंने उनके ऊपर बहुत बड़ा पूरा म्यूजियम बनाया और हर जगह शुरुआत उनके नाम से की जाती है। उनकी किताब है फॉर हुम द बेल टोल्स, द ओल्ड मैन एंड द सी। ओल्ड मैन एंड द सी पर इनको नोबेल प्राइज मिला था। और आत्मविश्वास और संघर्ष से किस प्रकार आदमी, बूढ़ा आदमी समुद्र में एक विशालतम मछली से संघर्ष करते हुए जीतता हुआ आता है, किनारे आता है और अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। बहुत सुंदर विवेचन है। मक्सिम गोर्की मेरा प्रिय ऑथर रहा है। इनकी हालांकि किताब जो सबसे प्रिय है मानी जाती है वो माँ मानी जाती है, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकी है, लेकिन मैं इनकी जीवनी पर आधारित तीन किताबें इन्होंने लिखी हैं, मैं उनको ज्यादा शानदार मानता हूँ। ये मेरा मत है, हमें मत मतांतर हो सकता है। और मैं अपने PhD छात्र से कहा करता था कि भैया तू और कुछ कर मत कर, ये तीन किताबें जरूर पढ़। पहली किताब मैं कहूंगा मेरा बचपन, दूसरी किताब जीवन का राहों पर, और तीसरी किताब मेरे विश्वविद्यालय। मेरे बचपन में एक गरीब अनाथ से बच्चे का संघर्ष क्या होता है वो दिखाने की कोशिश की है। जीवन की राहों में फिर किन किन संघर्ष के दौरों से व्यक्ति गुजरता है, अपने को स्थापित कर पाता है। मेरे विश्वविद्यालय में उन्होंने एक दूसरी दृष्टि दी है। मैं खैर अभी इसकी वो ना करूं और किताबों की बात करूं। आप पढ़िए, पहली किताब पढ़िए, आप दूसरी पढ़े बिना नहीं मानेंगे, दूसरी पढ़िए, तीसरी पढ़े बिना नहीं मानेंगे। जैक लंडन यूरोप के, ब्रिटेन के एक ऐसे लेखक हुए हैं जिनको महारत हासिल है कि पहाड़
पहाड़ का और बर्फीला जीवन क्या होता है, बर्फ भरी जिंदगी कैसी है, जो ठंडे प्रदेशों में मानव का कैसा जीवन है, क्या समस्याएं हैं, उन सबको एक उन्होंने किताब ली, हिंदी में आई, जंगल की पुकार और कॉल ऑफ द वाइल्ड। उसमें दो उपन्यास थे, छोटे छोटे उपन्यास, पहला कॉल ऑफ द वाइल्ड और दूसरा व्हाइट फैंग, एक भेड़िया जो कुत्तों के बीच में रहा और एक कुत्ता जो भेड़ियों के बीच में रहा, उस बर्फीले जीवन का बहुत सुंदर वर्णन किया है। मैं किताब को टेक्स्ट बुक सा माना करता हूँ, अपने छात्रों को कंपलसरी मानता हूँ, और मैं कहूँगा कि विश्व की 50 पुस्तकों में फिर इसको रखूँगा। खलील जिब्रान की वैसे तो बहुत लंबा पूरा उनका वो है, बड़ा लंबा चौड़ा ग्रंथ है। उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब इस दुनिया में जो रही है वो है मसीहा। मसीहा में बच्चे के बारे में, अध्यापक के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, गृहस्थी के बारे में, मैरिज के बारे में, लव के बारे में एक संत ने अपने विचारों को व्यक्त किया है कहानी रूप में, चित्र रूप में, बहुत सुंदर है, आप पढ़ के देखिए, आनंदित हो जाएंगे। लियो टॉल्स्टॉय मेरा फिर लेखक रहा है, प्रिय लेखक। लियो टॉल्स्टॉय और गांधी जी की आपस में काफ़ी खतों की किताबत थी। लियो टॉल्स्टॉय की जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किताब रही है पुनरुत्थान, युद्ध और शांति, रेनेसां और वार एंड पीस। एक और किताब जो 3 वॉल्यूम की है, अन्ना कैरेनिना। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मेरे छात्रों ने मुझ पर बहुत कृपा की है, मेरी बहुत सी किताबें वो मुझसे ज़्यादा शायद उनके घरों की शोभा बढ़ा रही हैं, उनमें से एक अन्ना कैरेनिना भी है। मुझे किताब का नाम लेते ही वो याद आ जाता है। खैर, उनकी किताब है हम क्या करें हमारी बेड़ियाँ। टॉल्स्टॉय को आप पढ़िए, फिर आपको लगता है कि एक सुंदर, कहना चाहिए संत आदमी, जीवन के बारे में, दुनिया के बारे में बड़ी सहज कहानी रूप में अच्छाई, और प्रेमचंद की तरह से, प्रेमचंद की परंपरा का लेखक मैं मानूंगा टॉल्स्टॉय साहब को, और वे एक सुंदर लक्ष्य की ओर आदमी को मोड़ देते हैं, ये उनकी सफलता है। एक मेरा ब्रिटेन का प्रिय ऑथर रहा है जेराल्ड ड्यूरल, उनकी किताब है माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स, दूसरी जू इन माई लगेज, बीस इन माई बेलफ्राई, इनकी 8-10 किताबें हैं, उस लगभग मेरे पास सारी हैं, मैंने सारी पढ़ी हैं। वाइल्ड लाइफ में एक अध्यापक को अपने छात्रों को किस प्रकार वन्य जीवन के प्रति आकर्षित करना चाहिए, कैसे किया जाए, वो शायद यदि मैं गलत नहीं तो ब्रिटिश रॉयल जू के क्यूरेटर भी रहे थे, तो किस प्रकार जीवन में उन पशु पक्षियों का जिंदगी क्या है, उनके साथ कैसे समरसता विकसित की जा सकती है, इस किताब का मैं इन किताबों में सुंदर वर्णन किया है। एक रूसी लेखक, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, अग्नि दीक्षा बहुत प्रसिद्ध किताब मानी जाती है, मैंने पढ़ी है, बहुत शानदार पुस्तक है। एक नोबेल प्राइज विनर है किताब, सिंक्लेयर लेविस, शायद 1943 के आसपास उनको नोबेल प्राइज मिला था। यदि आपको इम्यूनिटी के बारे में, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ना है तो सहज ही इस पुस्तक से पढ़ने को मिल जाएगा, मार्टिन एरोस्मिथ, हिंदी में अपराजित नाम से पुस्तक आई। एक और किताब है जिसकी मैंने शायद 20 प्रतिलिपियां खरीदी, प्रतियां खरीदी, और संगे अपने दोस्तों वगैरहों को अपने उसमें भेंट भी दी, दास्तान नसरुद्दीन। नसरुद्दीन अरब का एक ऐसा व्यक्ति माना जाता है जो अमीर लोगों को परेशान करता था और गरीब लोगों की मदद किया करता था। एक अपना कहना चाहिए अरेबियन रॉबिन हुड है, उसकी बड़ी रोचक और शानदार शैली में लिखी गई एक हास्य से रस से परिपूर्ण पुस्तक है दास्तान नसरुद्दीन, आपको पढ़नी ही चाहिए। एक पुस्तक मेरे हाथ लगी बाद में, अब मेरे ख्याल से मैंने देखा कि अमेजन फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, भारतीय जेलों में 5 वर्ष, मैरी टेलर नाम की महिला थी। मैरी टेलर का कसूर केवल इतना था कि इसने जिस व्यक्ति से शादी की, अमलेंदु चक्रवर्ती, वो एक नक्सलाइट था, उसको गिरफ्तार कर दिया गया, उसका फिर बाद में पता नहीं चला, कोई बात नहीं यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन इसका क्या दोष था। तो इसको बिहार की जेलों में, हजारीबाग और अन्य जेलों में जो रहना पड़ा, तो भारतीय जेलों का जो इसने वर्णन किया है, साक्षात नरक कहती है यदि दुनिया में कहीं है तो बिहार की जेलों में है, वो सुंदर वर्णन, भारतीय जेलों में 5 वर्ष, आप पढ़िए, एक अनूठा लेखन है। एंटोन चौखेव, तुर्गनेव की कहानियां, आप पढ़ के देखिए। एल्बर्ट कामू नोबेल प्राइज विनर हैं, इनकी 2 पुस्तकें, आउटसाइडर जो हिंदी में अजनबी नाम से आई,
एक किताब है कालीगुला, जो कि हिंदी में कालीगुला नाम से ही है। आउटसाइडर में एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी का यदि आपको एक समझ विकसित करनी है, इस किताब को पढ़िए, आनंद आएगा। एक किताब ने अमेरिका में बड़ा तहलका मचाया था, और वहां के प्रेसिडेंट कौन थे, वो जो दाढ़ी वाले थे, बहुत प्रसिद्ध वो थे, लिंकन, अब्राहम लिंकन को कहना पड़ा। अब्राहम लिंकन इस महिला से गृह युद्ध अमेरिका में छिड़ गया था, सिविल वार छिड़ गई थी अमेरिका में, और इस सिविल वार की जनक इस महिला को माना जाता है, क्योंकि इसने दास प्रथा को बंद करने के लिए एक आंदोलन सा चला दिया था। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है, मैं फिर कहूंगा कि दुनिया की 50 किताबों में मैं इसको भी रखना चाहूंगा, टॉम काका की कुटिया, अंग्रेजी में किताब का नाम है अंकल टॉम्स कैबिन। इसका सुंदर दास्तान के एक दास ने किस प्रकार संत स्वभाव से सारी दुनिया का दिल जीता। एक अभी लेटेस्ट किताब आई, लेटेस्ट ट्रेंड चला है, दो किताबें आई, तीन किताबें उसमें आ रही हैं, रैंडी पॉश और मॉरी, रैंडी पॉश एक कुछ और नाम है ना उसका, ट्यूजडेज विद मॉरी आप पढ़िए, रैंडी पॉश की किताब द लास्ट लेक्चर पढ़िए। इन दोनों किताब में जीवन के सुंदर पक्षों को इतने शानदार ढंग से गुजार कर किया गया है कहानी रूप में कि आपको आनंद आएगा। मैं एक हल्का सा उदाहरण दूं, ट्यूजडेज विद मॉरी में लेखक कहता है कि मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया था, बहुत बड़ा करोड़ों कमा रहा था। एक दिन मैंने टेलीविजन पर देखा कि एक चित्र आया, वो मैंने देखा मेरे टीचर का चित्र था जिसे हम भूल गए थे, और बताया कि इनका शरीर नीचे से गलना शुरू हो गया है और ऊपर तक, मतलब बाद में उन्होंने कहा कि ये बड़े मुश्किल से इतने दिन जिएंगे। तो कहते हैं मैंने उनका पता ढूंढा, फोन ढूंढा, और मैं इनके घर 14 मंगलवार गया, 1 घंटे वायुयान में जाता था, इनके घर जाता था, फिर 1 घंटे शाम को वायुयान से आ जाता था। तो 14 मंगलवार में इनके साथ मौरी साहब, प्रोफेसर मौरी के साथ जो इन्होंने सीखा जिंदगी के सबक, वो मैं कहूंगा हर इंसान को पढ़ना चाहिए, ट्यूजडेज विद मौरी। ठीक इसी तरह से एक मेलन कार्नेगी यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, दुनिया की बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज में से एक है, वहाँ प्रोफेसर रैंडी पॉश थे। वहाँ एक परंपरा है, आज भी मैंने परंपरा भारत में करने की कोशिश की थी लेकिन यहाँ मैं सफल नहीं हो पाया। वो ये था कि जो अध्यापक जिस साल रिटायर होता है, जिस महीने, उस महीने उसका लेक्चर कराया करते हैं, और उस लेक्चर को कहा करते हैं द लास्ट लेक्चर। तो कहते हैं मेरे लिए लास्ट लेक्चर वैसे ही सिद्ध था, क्योंकि मुझे स्प्लिन का कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि 5 महीने में मैं मर जाऊंगा। तो मैंने अपने जीवन के सारों को उस लास्ट लेक्चर में जानने का, डालने का प्रयास किया, तो उसका वर्णन है। रोमा रोला वो लेखक हैं जिन्होंने गांधी और रामकृष्ण, या शायद टैगोर की भी जीवनी लिखी है, बहुत सुंदर जीवनी है। एक फिलोसोफर रहे हैं आर डी लैंग, उनकी कविता रूपी किताब है नॉट्स, गांठें। तो किस प्रकार से चिंतन, या कहना चाहिए थिंकिंग, पोलिटिक फिलोसफी की एक किताब है ये। एक और किताब जो दुनिया में तहलका मचा रही है और अभी भी जिंदा है वो लोग, अनेकों भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है, मेरी उनसे 2 बार बात हुई, 2 साल पहले फोन पर भी बात की, इस बार मैं मिलने नहीं जा पाया कोविड की वजह से ही, ब्रायन वेस। मैं फिर सिफारिश करूंगा कि दुनिया में हर व्यक्ति को इस किताब को पढ़ना चाहिए, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, जीवन। ये कहते हैं कि मैं अमेरिका के उस कल्चर से बिलीव करता हूँ, उस कल्चर से आता हूँ जहाँ पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है। तो मैंने एक महिला के साथ एक 50 हिप्नोटिक हिप्नोसिस के सेशंस किए, उनसे जो कुछ निकला उसको उन्होंने अपने अनुभवों को रखने की कोशिश किया है। फिर कुछ और वर्क्स हैं, मैं इनको और आपको प्रहलाद कर दूँ, आपको भैया मैं आ गया हूँ तो आपको मुझे झेलना ही पड़ेगा। कुछ और पुस्तकें हैं जो अंग्रेजी में हैं और हिंदी में उनका कम ट्रांसलेशन हुई है। ईएफ शूमाकर की किताब को मैं सबसे पहले रखना चाहूंगा, सारी दुनिया में इसने तहलका मचाया, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। दूसरी किताब और भी अच्छी है, द गाइड फॉर द परप्लेक्स्ड, आप पढ़ के देखिए, बहुत सुंदर पुस्तक है। थोड़ा मैं, ये वो पुस्तकें हैं जो थोड़ा सा सीरियस रीडिंग लिए हुए हैं, अब तक तो थोड़ा सा आनंदित और ये सब देने वाली, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल की पुस्तकें हैं ये ज्यादातर। बटरन हल्की, जैसे मैंने बताया था, अनपॉपुलर एसेज, मैरिज एंड मॉरल्स, इन प्रेज ऑफ आइडलनेस, ऑटोबायोग्राफी। एल्बर्ट आइंस्टीन की किताब आप पढ़िए, छोटी सी किताब है, द वर्ल्ड एज आई व्यू इट,
इसमें इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है और पहले ही उस पर लिखा है चैप्टर में कि मुझे बड़ी झिझक सी आती है, शर्म सी आती है जब मैं अपने नौकर को देखता हूँ, क्योंकि मैं उतना सिंसियर और डेडिकेटेड नहीं हूँ जितना मेरा नौकर है। आप पढ़ के देखिए, किताब को आनंद लाएगा। श्रोडिंगर नोबेल प्राइज मिला था, हेजनबर्ग की किताब भी है साइंस पर, नोबेल प्राइज मिला है इन दोनों को। इनकी किताब है, श्रोडिंगर की किताब है व्हाट इज लाइफ माइंड एंड मैटर, और दूसरी किताब साइंस एंड सोसाइटी, बहुत सुंदर पुस्तकें हैं। एक और की पुस्तक जिसको मैं बहुत रोचक ढंग से पढ़ा करता हूँ, नोबेल प्राइज मिला है अभी उनको कुछ दिन पहले, डेथ भी हुई है 7-8 साल पहले, रिचर्ड पी फेनमैन, बहुत प्रसिद्ध नोबेल प्राइज के थे, फिजिक्स के जानकार थे। कॉमन आदमी को फिजिक्स कैसे पढ़ाई जाए इसके बारे में उनके उन्होंने और लेख भी लिखे, साइंस टीचिंग पर लेख लिखे, पर जो किताब मुझे प्रिय है उस किताब का नाम है श्योरली यू आर जोकिंग मिस्टर फेनमैन। ये बड़ा अजीब सा अंदर क्लेम करते हैं, कहते हैं मैंने कसम खाई थी कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। फिर उसने एक वाकया दिया कि मैं शराब भी पीऊंगा, सड़क पर भी नाचूंगा, लड़की भी छेड़ूंगा, और कोई मुझे पीटेगा तो पीट दे भैया, मगर क्या करूं मैं आदत से मजबूर हूं। और उनकी ईमानदारी देखिए, किताब में उन्होंने बकायदा फोटो लगाया कि होटल में मैंने लड़की को छेड़ा और मेरी उसके मित्र ने मेरी पिटाई कर दी, तो उस पिटाई करने का फोटो उन्होंने डाल दिया। इतना ईमानदार आदमी। श्योरली यू आर जोकिंग मिस्टर फेनमैन, आप पढ़ के देखिए आनंदित होंगे। एक किताब जिसकी मैंने दसियों प्रतियां खरीदी, अब मेरे पास एक भी नहीं है क्योंकि शायद मेरे छात्र उन पुस्तकों से ज्यादा प्रेम करते थे, द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स बाई क्रिस्टोफर एंड बर्ड। पौधे भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, ठंड लगती है पौधों को, गर्मी होती है लगती है पौधों में, भावनात्मक उतार चढ़ाव आते हैं। इतना ही नहीं, ब्रिटेन में एक समय पर एक हत्यारे को पकड़ने में पौधों ने मदद की। ये यदि आप जानना चाहते हैं तो आप किताब पढ़िए, द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स। एक और नोबेल प्राइज फिजिक्स के हुए हैं जी गेमो, यहां में मुझे बेझिझक कहने में इस बात को कोई हिझक नहीं है कि सारी दुनिया में फिजिक्स के जितने नोबेल प्राइज विनर्स हैं उन्होंने जनरल लाइफ पर या गुड लाइफ पर या एक कहना चाहिए सुंदर सहज रूप में जितनी पुस्तकें लिखी हैं, बायोलॉजी के नोबेल प्राइज या केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज विनर्स ने ना के बराबर लिखी हैं। गेमो साहब की किताब का नाम है मिस्टर टॉमकिन लर्न्स द फैक्ट्स ऑफ लाइफ। 5 कहानियों के रूप में एक कहना चाहिए बिल्कुल अनजान व्यक्ति भी बायोलॉजी की 5 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ब्लड ग्रुप्स, एंट्रोपी, क्रोमोसोम, जेनेटिक्स, इन सब चीजों को जान जाए, इससे बढ़िया कोई पुस्तक नहीं है। इसी में मैं एक और नाम लिया करता हूं, मैं नाम भूल गया, पहले मुझे नाम लेना चाहिए, सलीम अली साहब रहे हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट, द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ उनकी किताब का नाम है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनके मेमोरियल में उनकी लेक्चर सीरीज लगाई थी, उसमें उन्होंने छापी थी। सलीम अली साहब ने अपने बर्ड्स के जो अनुभव लिखे हैं वो अपने आप में अनूठे हैं। विल ड्यूरांट, मैं फिर कहूंगा, मेरा प्रिय ऑथर है। इनकी और भी बहुत सी किताबें हैं, पर 2 किताबें हैं, द स्टोरी ऑफ फिलोसफी हिंदी में आई, दर्शन की कहानी, लेकिन उसके बाद नजर नहीं आई है उसका एडिशन। दूसरी किताब है इनकी द प्लेजर्स ऑफ फिलोसफी। विल ड्यूरांट साहब ने एक आदमी फिलोसफी में जो रुचि ना रखे, मैं कहा करता हूँ उस किताब के 5-6 खास बातें, एक व्यक्ति जो फिलोसफी ना पढ़ना चाहे तो इस किताब के 40 पेज पढ़ ले भैया, तो पूरी किताब पढ़े बिना नहीं मानेगा। दूसरी, एक किताब जनरल आदमी के लिए लिखी गई थी, लेकिन आज सारी दुनिया में MA फिलोसफी में भी इस किताब को ऑलमोस्ट टेक्स्ट बुक यूज किया जाता है। तीसरी बड़ी रोचक, मैं मजाक किया करता हूँ अपने फिलोसफर दोस्तों से, कि इनकी पत्नी ने एक किताब लिखी थी, वो 12 वॉल्यूम की किताब थी, द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। तो मैं कहा करता हूँ कि शायद इन्होंने अपनी पत्नी से कहा होगा कि हे सुभगे, तू इन्हें 12 वॉल्यूम की किताब लिखी है, मैं एक ही लिखूंगा। और ये बात सच है कि द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन 12 वॉल्यूम की इससे ज्यादा शानदार पुस्तक है, लेकिन वो लाइब्रेरी में अनपढ़ी ही रह जाती है। स्टोरी ऑफ फिलोसफी हर 5 साल में आउट ऑफ प्रिंट हो जाती है। फ्रेडरिक एंजल्स की 2 पुस्तकें हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। दूसरी उनकी पुस्तक है वानर से नर बनने में श्रम की भूमिका। ये अच्छी पुस्तक है और ये बताती है, एक कहना चाहिए कि मानव श्रम का क्या महत्व है,
परिवार इस दुनिया में कैसे आया, व्यक्तिगत संपत्ति कैसे आई और राज्य का विकास कैसे हुआ। ऑफकोर्स कम्युनिस्ट व्यू पॉइंट है, लेकिन पढ़ने में क्या बुराई है, पढ़ना तो चाहे कम्युनिस्ट पढ़े या कैपिटलिस्ट पढ़े। अध्यापकों से तो मैं कहूंगा कि अनबायस्ड होकर दोनों पढ़िए। सोशल साइकोलॉजी पर दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है एरिक फ्रॉम की द सेन सोसाइटी, विवेकशील समाज, बहुत सुंदर पुस्तक है। एक और मेरा प्रिय ऑथर है डेसमंड मॉरिस, तीन पुस्तकें हैं उनकी मैंने पढ़ी, द नेकेड एप, ह्यूमन जू, इंटीमेट बिहेवियर। नेकेड एप पुस्तक का सब टाइटल है द जूलॉजिकल स्टडी ऑफ द ह्यूमन एनिमल। यदि जूलॉजी में जैसे हम कुत्ते बिल्ली घोड़े गधे को पढ़ते हैं, उसी तरह से यदि मानव को पढ़ा जाए तो क्या निष्कर्ष निकलेंगे, वो निष्कर्ष इन्होंने किताब में बताए हैं। मैंने 78 में इस किताब को पढ़ा था और आजीवन इस किताब पर का मेरे पर प्रभाव रहा है। एक और किताब जिसने मुझे प्रभावित किया, लेकिन मेरा छात्र इसको ज्यादा कोई प्रेम करता था इसलिए मुझ पर ये पुस्तक नहीं है, एच जे आइजेंक साहब साइकोलॉजी का बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, उनकी किताब है सेंस एंड नॉनसेंस इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में मानव की क्षमताएं क्या है और मानव के मनोविज्ञान में क्या क्या गलत चल रहा है, ये एक अच्छा वर्णन मिलता है इनमें। जेएस मिल साहब की एक किताब है, बहुत पुरानी, 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, द सिस्टम ऑफ लॉजिक। किसी व्यक्ति को यदि तर्कशास्त्र पढ़ना है, इस पुस्तक को एक्चुअली द कैनन्स ऑफ साइंस पढ़ने हैं, कैनन्स ऑफ साइंस के जिनको कहना चाहिए एम्पिरिसिज्म की अवधारणा पढ़नी है, इस किताब को पढ़िए। मूल बहुत बेसिक पुस्तक है, मुझे मेरे टीचर प्रोफेसर आरएन मेहरोत्रा जी ने कहा था कि इस किताब को पढ़ें, शानदार पुस्तक है। एरिक बर्न साहब है ये अमेरिका के, उन्होंने किताब लिखी द गेम्स पीपल प्ले, मनोविज्ञान की दृष्टि से, सोशल साइकोलॉजी की दृष्टि से अच्छी पुस्तक है। एक किताब जिसने मुझे फिर प्रभावित किया, पेपिलॉन उपन्यास है, लेखक कौन है मुझे ध्यान नहीं है। पेपिलॉन में एक व्यक्ति की कहानी है जो 40 बार सेकंड वर्ल्ड वार में कैद से छूटा, फिर पकड़ लिया जाता था, छूटा फिर पकड़ लिया जाता था, अंतिम बार छूटा, इतने ही वर्ल्ड वार खत्म हो गई, बच गया। उसकी सुंदर रोचक कहानी है। एक और किताब है, सोशल साइकोलॉजी में लोग बात किया करते हैं, आई एम ओके यू आर ओके, लेखक पर मुझे ध्यान नहीं है, अच्छी पुस्तक है। एक किताब जिसकी चर्चा की जाती है और मुझे बहुत प्रिय है, जॉर्ज ऑरवेल की दो किताबें हैं, एनिमल फार्म और 1984। मेरा मानना है इन किताबों को पढ़िए, आनंद आएगा, एक ये पक्ष भी है ये भी सच है। 1984 हालांकि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का विरोध करने के लिए लिखी गई थी, लेकिन आज ये ज्यादा सच है। आज हम अपने बेडरूम में भी, हमारी सारी सूचनाएं सारी दुनिया को जा रही हैं। मुझे पता चला, मैं अमेरिका में, मेरे बड़ा शौक था, नई गैजेट्स वगैरह का शौक रहता है, एक ये क्या होती है, मैं नाम भूल रहा हूँ, ये जो एलेक्सा और गूगल वाले की जो आती है, इसको रखा, इसने मुझे पता चला, मैं हैरान रह गया कि आपके कमरे में, आपके घर में जो भी सारी बात की जाती है, वो सारी की सारी बातें इनके हेड ऑफिस में पहुंच जाती हैं, दे आर ऑलवेज रिकॉर्डेड। तो उसके बाद मैंने इसको एलेक्सा और गूगल को ऐप को रखना बंद कर दिया, क्योंकि मैं कम से कम अपनी प्राइवेसी, लेकिन मेरी प्राइवेसी खत्म, वो किस प्रकार मेरी प्राइवेसी प्राइवेसी नहीं है, इसका शानदार उदाहरण है ये पुस्तक 1984। एक और अंग्रेजी की जो मैं थोड़ा सा चलता उसी का कहूँगा, लेकिन थोड़ा कुछ लोग उनको अच्छा पुस्तक मानते हैं, आर्थर हेली, मारियो पिजो, जैकुलिन सूजन वगैरह। मैं हल्का सा बायोग्राफीज का यहाँ और जिक्र करना चाहूँगा, कुछ बायोग्राफी, इसके बाद मैं आपकी जान छोड़ दूंगा। मुझे बायोग्राफी रखने का बहुत शौक है और मुझे एक पुस्तक में तो 50 बायोग्राफी, किसी में 100 बायोग्राफी मिल गई, इस तरह से मुझ पर 350 के करीब बायोग्राफी हैं, मैं उनका पढ़ता हूँ और आनंद लेता हूँ। मैं बायोग्राफीज में मैं नाम कहूँगा गांधी, टैगोर, श्री अरबिंदो, विवेकानंद, इनकी बायोग्राफी पढ़िए, बहुत शानदार है। कुछ ने ऑटोबायोग्राफी दी है, आत्मकथा भी लिखी है, बायोग्राफी भी मिल जाए, जो भी मिल जाए पढ़िए, आनंद आएगा। अमृता प्रीतम, अल्बर्ट आइंस्टीन, बलराज साहनी, काका हाथरसी, ओम पुरी, हेलन केलर, राहुल सांकृत्यायन, हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद रहूं करूं, नील का निर्माण फिर इनकी पुस्तक है, सुमित्रा नंदन पंत, रूजवेल्ट, लूथर बर्बैंक। एक और बायोग्राफी जो मैं फिर कहूंगा 50 किताबों में से एक में रखना चाहूंगा, जॉर्ज वाशिंगटन कर्वी। ये एक दास जन्मा था और यूएनओ में एग्रीकल्चर का
डायरेक्टर जनरल रहा, सारी उम्र इसने संघर्ष किया, अमेरिका की एक टॉप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना, लेकिन इसके गांव के कॉलेज से इस पर नौता आया कि हम आपको 1/10 पे भी नहीं दे पाएंगे, बट वुड यू लाइक टू कम टू अवर कॉलेज एज ए प्रिंसिपल, ही केम। और अमेरिका में मूंगफली की खेती में अमेरिका को दुनिया का सबसे शानदार एक विकसित प्रोडक्ट बनाने वाला देश बनाने में इस अकेले आदमी का हाथ है, जॉर्ज वाशिंगटन करवी, जो दास पैदा हुआ था। बड़ी रोचक कहानी है इसकी, कि जो इसके इसने मालिक का, इनके मालिक का नाम करवी था, तो उनका करवी का उन्होंने अपना नाम रख लिया सरनेम, अदरवाइज उन्होंने उसका नाम जॉर्ज वाशिंगटन रखा, अपना नाम खुद ही रखा इन्होंने। तो ये दास के यहाँ, इनके यहाँ जो मालिक के यहाँ डाका पड़ा, और इनकी माँ और इनके भाई बहन और इनको भी ले गए थे, ये 6 महीने के थे। तो इनके मालिक और तो समझौता नहीं कर पाए, लेकिन इस बच्चे को ले आए, उन्होंने डाकुओं ने इस बच्चे को दे दिया कि हमें क्या फर्क पड़ता है, दे दो। उन्होंने इसको पाला और ये बड़े हुए। बहुत शानदार पुस्तक है। जगदीश चंद्र बोस की आप आत्मकथा पढ़ें, वो कथा सॉरी आत्मकथा नहीं, जीवनी पढ़ें। सुलोचना राघव, रांगे राघव जी की पत्नी है, उन्होंने अभी जिंदा है, जयपुर में यदि मैं गलत नहीं हूँ तो सोशियोलॉजी में प्रोफेसर हेड रही जयपुर यूनिवर्सिटी में। जाकिर हुसैन साहब, मैंने बताया, रिचर्ड पी फेनमैन, स्वामी श्रद्धानंद, कमला दास की माय स्टोरी, हिटलर की मैन कैंप, देवानंद की, ये और भी होंगी, मैं भी जो मुझसे छूट भी रही होंगी, ये जीवनियाँ पढ़ें, इनसे आपको देखने का मौका मिलेगा, इनको समझने का मौका मिलेगा कि किस प्रकार ये जीवन को, दुनिया को किस दृष्टि से देखते हैं। ये मेरी किताबों की लिस्ट हुई, और किताबों की लिस्ट मुझे मालूम है अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि पिछले 6 महीने में मैं अभी पिछले अमेरिका प्रवास में 7-8 किताबें मैंने पढ़ी, उनको मैंने नहीं लिखा। नोवेल हरारी की जो किताब है सेपियंस द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ मैन जो है, या और भी हैं इनके जो, और 2-3 किताबें हैं इसी सीरीज में, उनका नाम नहीं लिया है। एक किताब में और नाम नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, उसने बड़ा बढ़िया एक क्वेश्चन दिया है, बहुत प्रिया किताब है, मैं बेटे के यहाँ पढ़ कर आता हूँ, हर बार 2 बार पढ़ाया हूँ। उस किताब में उसने बताया है, उसने अनेक मिथ्स को दूर किया है कि यदि हम 2 ग्राफ ले लें, एक इधर से एज का ग्राफ और इधर से ले लें हम इनकम का ग्राफ, तो उन्होंने दोनों ग्राफों में सारे विश्व के देशों की स्थिति बताई है, द फैक्ट या कुछ इस तरह का नाम है, और उसमें बताया है कि वो देश जहाँ दीर्घायु भी है लोग और सबसे ज्यादा इनकम भी है, और वो देश जहाँ दीर्घायु नहीं है और इनकम भी कम है दीर्घायु भी कम है, तो उनमें हम पाएंगे कि हम जो 30 मार्क बनते हैं, एक बड़ा बढ़िया मिथ उन्होंने तोड़ा है, हम अपने आत्म अपने दुश्मन से अपने आप को हर तरह से बेहतर मानते हैं, हम पाकिस्तान से मानते हैं कि हम हर हालत में बढ़िया हैं, ये बड़ा मिथ है। उसने तोड़ के बताया है कि यदि 70वें पोजीशन पर भारत है तो 75 से 78वें पोजीशन पर पाकिस्तान है, बहुत दूर नहीं है हमसे। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ है, वो कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। ये 2 पैरामीटर्स पर उसने दुनिया को नापा और अपनी नई दृष्टि दी है, द मैटर ऑफ फैक्ट या शायद कुछ ऐसा ही, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मुझ पर कहीं और। तो इस तरह की और भी बहुत सी पुस्तकें हैं, बहुत ही शानदार ये हमें दृष्टि देती हैं। मैं बार बार कहूंगा, जिंदगी में और कुछ मत कीजिए, अच्छा अध्यापन करिए, और अच्छा अध्यापन के लिए कुछ मत करिए, पुस्तकें पढ़िए। मैं अक्सर मजाक में कहा करता हूँ, पुस्तकें हमको एक सबसे बढ़िया मौका देती है, क्योंकि मेरी अपना नेचर लड़ाकू नेचर है, मैं हर एक से बहुत ज्यादा लड़ता हूँ, पुस्तकें आपको लड़ने से बचा देती हैं। कहीं से मान लो मेरा किसी से मन मुटाव हो जाता है, मैं आके घर में अपना पुस्तक पढ़ने लग जाता हूँ, और वो पुस्तक पढ़ने से उस आदमी के प्रति मेरी फिर बाद में शांति हो जाती है, और उसके प्रति मेरा जो गुस्सा है अपने आप ठंडा हो जाता है। पुस्तकें हिंसक को अहिंसक बनाने में मदद देती हैं, पुस्तकें व्यक्ति को कूल डाउन रखती हैं, पुस्तकें व्यक्ति को एक शांत चित्त बनाने में मदद करती हैं, पुस्तकें मुझे तो लगता है कि मुझे बनाने में पुस्तकों का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए दोस्तों, आनंदित रहिए, जीवन को सुखद बनाइए, अपने अध्यापन को शानदार बनाइए, और पुस्तकों को पढ़िए, पुस्तकों को जीइए। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों ने मुझे सहा, धन्यवाद।